हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे से होंगे। तो आज राजवीर और प्राची का स्कूल रीओपन हो रहा है, तो हम उनको छोड़ने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी टाइम क्या, ऑलमोस्ट 2 साल बाद। बीच में एक आध दिन खुला था, फिर बंद हो गया, और आज शायद कंटिन्यूसली रहेगा। आज रीओपन हुआ है, आज क्या डेट है, 14 फरवरी। तो दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो नोटिफिकेशन और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसको हम जारी रखते हैं। तो राजवीर एंड प्राची ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं स्कूल के लिए, तो हम उनको आज स्कूल छोड़ के आते हैं। हेलो राजवीर, आपको कैसा लग रहा है आज 2 साल बाद आपके स्कूल खुल रहे हैं? गुड मॉर्निंग, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल बाद स्कूल खुल रहे हैं। आज स्कूल में बहुत मजा आएगा। चलो पढ़ाई भी करना, मजे के साथ साथ पढ़ाई भी करना। हाँ। तो प्राची, आपको कैसा लग रहा है, आप भी स्कूल जा रहे हो आज 2 साल बाद, आपके भी स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा लग रहा है 2 साल बाद स्कूल। तो आप वहाँ जाके क्या मतलब खेलोगे कूदोगे या पढ़ाई भी करोगे? सारी चीज। तो ठीक है, आप पढ़ाई भी करना, ठीक है? ठीक है। तो राजवीर और प्राची बिल्कुल रेडी हो चुके, बाहर आ चुके हैं और सारा सामान ले लिया उन्होंने, बुक वगैरह। कोविड के प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं, सैनिटाइजर मास्क सब कुछ रख दिया है। तो अब चलते हैं हम उनके स्कूल, उनको छोड़ के आते हैं। ज़्यादा दूरी नहीं है, वॉक इन डिस्टेंस है। धनों को हमने रेस्ट करवा दिया है, धनों मतलब हमारी स्कूल की। तो यहाँ से ज़्यादा हार्डली 10 मिनट का रास्ता होगा पैदल का भी, तो हम उनको लेके चलते हैं स्कूल में। दोनों के दोनों बहुत हैप्पी हो रखे, हैप्पी होते क्योंकि वहाँ खेलने कूदने के लिए मिल जाएगा, पढ़ाई तो कर ही लेते हैं। घर पे भी हो ही रही है ऑनलाइन, और उस पर भी ऑफलाइन भी हो ही रही है। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं स्कूल में, और शायद दोपहर को हम लेने भी जाएंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिए। प्राची ने वही बैग, उसको बहुत पसंद आया था जो लास्ट वीडियो में हमने बताया था, प्राची के लिए बैग लेने जा रहे हैं। तो आज प्राची ने वही बैग लिया हुआ है, पूरा भरा हुआ है बुकों से, देख लो। इसको बहुत ही पसंद आया है बैग, तो हम उनके स्कूल पहुंचने वाले आ चुका है उनका स्कूल, और राजवीर मंदिर में प्रणाम करते हैं, जय प्रभु जय साईं। तो उनका स्कूल है, फिर जा चुके हैं, अब 1 बजे हम उनको लेने आएंगे यहाँ पे यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, 1 बजे लेने आएंगे। तो आप वीडियो पे बने रहिए, देखते उनको कैसा लगा है। ये उनका स्कूल है यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल, वो अंदर चले गए, अब हम चलते हैं घर की ओर। बच चुके हैं 1, अब हम चलते हैं प्राची और राजवीर को स्कूल लाने के लिए। 1 बजे उनका छुट्टी हो जाएगी, तो अब हम चलते हैं उन्हें लेने के लिए। देखते हैं उनका आज फर्स्ट डे का ऐसा एक्सपीरियंस रहा स्कूल खुलने के बाद। वही हम वॉकिंग में जा रहे हैं, ज़्यादा दूर तो है। पहुंच चुके हैं हम उनके स्कूल, और अभी छुट्टी नहीं हुई है, हमें शायद 5 मिनट के आसपास वेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितनी देर में बाहर आते हैं। तो यहाँ पे बहुत भीड़ हो रखी है पेरेंट्स की, जो स्कूल में अपने बच्चों को लेने आ रखे हैं। अभी हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जब भीड़ थोड़ा सा कम हो जाए फिर चलते हैं हम। आ रहे हैं दोनों बाहर, आ चुके हैं। आ गए बेटा, चलो। दोनों को हमने ले लिया है, अब हम निकलते हैं घर की ओर। तो प्राची, कैसा लगा आपको फर्स्ट डे? काफ़ी दिनों बाद आप वहाँ क्या बोलते हैं स्कूल गए, तो आपको कैसा लगा पहला दिन? सही लगा, और जब छुट्टी के पहले मैंने स्टोरी सुनाई है। आपने स्टोरी सुनाई है, गुड। तो वहाँ खेला आपने? हाँ थोड़ा बहुत बात। अच्छा, तो पढ़ाई भी करी और खेला भी, चलो वेरी गुड। और एक नई मैम भी आई थी। नई मैम आई हुई। और राजवीर, आपको क्या मतलब कैसा लगा आपको स्कूल में आज पहला दिन? मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, और खेला भी था, वो पकड़ पकड़ाई ऐसी, और स्टोन पेपर भी, और वो नई मैम भी आई थी मेरी भी।
तो पढ़ाई करी आपने? हाँ। चलो मैथ्स में भी लिखा था मैंने कुछ नंबर्स चैप्टर में। वेरी गुड। तो दोस्तों दोनों बच्चे घर पे पहुंच चुके हैं और दोनों का हमने थोड़ा सा वार्तालाप की तो दोनों को बहुत ही बढ़िया लगा। रीओपन होने पे स्कूल और काफ़ी टाइम बाद स्कूल गए हुए हैं तो बहुत ही बढ़िया लगा। तो आपके बच्चों का भी स्कूल ओपन हो गया होगा, आई होप उनको भी स्कूल का पहला दिन अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपके पास नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। देखने के लिए धन्यवाद।